क्या कभी ईश्वर को आप रोमांटिक मूड में देखे हैं, बहुत ही प्यार की स्थिति में? शायद ही। अधिकांश हम ईश्वर को पुलिस के रूप में हम देखते हैं, यानी ईश्वर जो दंड देने वाला, वो गलती ढूंढने वाला, कब मैं गलती करूंगा और ईश्वर मुझे दंडित करेगा, यही मानसिकता अधिकांश हम में रहता है। लेकिन आज के मनन चिंतन में या साधना में हम जो पाठ लेकर मनन कर रहे हैं, इसमें ईश्वर आनंद के ईश्वर के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। तो आइए हम ईश्वर के एक दूसरे रूप को, जिसको अधिकांश हम नहीं पहचाने हैं, उस चेहरे को आज हम अनुभव करने की कोशिश करेंगे। आइए हम अपना स्थान लें। आप अपने हाथ में पवित्र बाइबल, अपनी डायरी या जर्नल, पेन और पेंसिल रखिए। आइए हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए, जो बहुत ही निर्णायक है। यदि यहाँ यह चरण, यह कार्य हम नहीं कर पाते हैं, तो वास्तव में हम इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। यदि कोई भी बात आपके दिमाग में घूम रही है, आप प्रभु के चरणों में रखिए, अर्पित करिए। सारी चिंताओं को उनके चरणों में रखिए और अपने आप से कहिए कि मैं प्रभु यीशु के साथ विशेष समय बिताने वाला, इसलिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ना अंदर से कोई बात, ना बाहर से कोई बात। इसलिए अपने प्रियजनों को भी पहले से ही जानकारी दे दीजिए कि आपको वे डिस्टर्ब ना करें। आइए हम प्रारंभ करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे परम दयावान पिता, अब हमसे विशेष प्यार करते हैं, लेकिन हम आपको दंड देने वाले ईश्वर के रूप में अधिकांश हम अनुभव किए हैं या पहचाने हैं। लेकिन प्यारे पिता, आप अपने पुत्र के द्वारा हम पर प्रकट किए हैं कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, और आपके प्यार का बहुत सारे चेहरे हैं, उसमें से एक है एक रोमांटिक लवर। आज जो वचन आप हमें दे रहे हैं, इसके आधार पर हमें कृपा दीजिए कि हम आपके दूसरे रूप को, उस प्रेम की बात को हम समझ सके, अनुभव कर सके, ताकि हम पूर्ण रूप से अपने आप को आपके हाथों में देकर अपना जीवन जीने की कृपा हमें मिले। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आकर हमारे मन, दिल, हृदय को आलोकित करिए, ज्योतिर्मय बनाइए, ताकि हम जो आपके वचन पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, इस वचन को हम समझ सके, जी सके और प्रभु यीशु की उपस्थिति का अनुभव कर सके। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आप हमसे बात करने वाले हैं, हमें कृपा दीजिए कि हम भी आपके वचन ध्यान पूर्वक लाजरस की बहन मरियम के समान आपके चरणों में रहकर आपके वचन ध्यान पूर्वक सुनने की कृपा हमें प्रदान कर। हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारी मदद करने के लिए आइए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज के हमारी इस साधना के लिए हम जो पाठ लिए हैं, वो है संत मत्तियोस सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14-17। इसके बाद योहन के शिष्य आए और यह बोले, हम और फारसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा साथ है, क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराना कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाता है, और लोग पुराने मशकों में नई अंगूर नहीं भरते, नहीं तो मशकें फूट जाती हैं, अंगूरी बग जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बच्ची रहती हैं। इस पाठ को ध्यान पूर्वक एक दो बार आप पढ़ लीजिए, तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। हम पहले चरण में प्रवेश करते हैं, वो है मनन चिंतन। जैसे शुरुआत में मैंने कहा, हम ईश्वर को सामान्य रूप से एक कठोर व्यक्ति के रूप में, दंड देने वाले एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं।
लेकिन आज के इस पाठ में हम देखते हैं ईश्वर अपने आप को एक दुल्हे के रूप में प्रकट करते हैं और उसमें भी अंगूरी जो आनंद का चिन्ह है उसका ही एक दृष्टांत वे दूसरों को सुनाते हैं। इस पाठ का थोड़ा सा संदर्भ समझने की कोशिश करेंगे। यहूदी सप्ताह में कम से कम एक दिन उपवास किया करते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि प्रभु येसु के शिष्य कभी उपवास नहीं किए। संत योहन बपतिस्ता के शिष्य किया करते थे, फरीसी किया करते थे, अन्य यहूदी किया करते थे, लेकिन प्रभु येसु के शिष्य कभी उपवास नहीं किए जब तक प्रभु येसु उनके साथ रहे। इसलिए फरीसी और योहन बपतिस्ता के शिष्य प्रभु के पास यह शिकायत लेकर आते। उस संदर्भ में प्रभु येसु अपने और अपने शिष्यों के बीच के संबंध को यहां प्रकट करते हैं। वास्तव में मैं भी इस संबंध को इस रीति से और इस पाठ को इस दृष्टिकोण से कभी मनन नहीं कर पाया हूं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहां प्रभु येसु हमें बताते हैं कि वे हमारे जीवन में आनंद लेकर आए। एक शादी के घर में दुल्हा आनंद का कारण बनता है। दुल्हे के आसपास में रहने वाले सब आनंदित होते हैं और उस आनंद का कारण दुल्हा होता, अन्य कोई नहीं। यहां प्रभु येसु हमारे जीवन में, मेरे जीवन में एक दुल्हे के रूप में आते हैं और मुझे अपने बाराती में उनके साथी बनकर, उनका मित्र बनकर, दोस्त बनकर उनके साथ रहने के लिए मुझे आमंत्रित करते हैं। उनके आनंद के सहभागी बनने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। वास्तव में आजकल जो विवाह होता है, शादी होती है, हम गांवों में देखते हैं कहीं 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक चलती है शादी, लेकिन प्रभु येसु के समाज में 2000 साल पहले जो शादी होती थी उसमें हनीमून के लिए जैसे आजकल लोग कहीं कहीं शहरों में जाते हैं वैसे उस समय नहीं जाते थे। लेकिन ये जो शादी जो एक सप्ताह तक चलती थी तो पूरा सप्ताह दुल्हे के साथी लोग, उसके मित्र लोग उसके साथ ही रहते थे, उसके आनंद में सहभागी होते थे। तो प्रभु येसु अपने मित्रों को या अपने शिष्यों को दुल्हे के मित्रों के रूप में वहां फरीसी और योहन बपतिस्ता जो शिकायत लेकर आए थे उन्हें बताते हैं। तो प्रभु येसु के साथ रहने वाले हमेशा आनंदित रहना चाहिए। प्रभु येसु हमारे साथ दुख मनाने के लिए या अपने दुख हमें देने के लिए नहीं आए, बल्कि अपना ईश्वरीय आनंद हमें देखकर उस आनंद के सहभागी हमें बनाने के लिए हमारे पास आए। तो प्रभु येसु के साथ रहने वाले कभी भी दुखी नहीं हो सकते। उनके जीवन में दुख हो सकता है लेकिन वे दुखी नहीं हो सकते। इसलिए खुशी और आनंद में बहुत फर्क है। खुशी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति के कारण मिलने वाला एक फल है, वो क्षणिक होती है खुशी, कुछ समय के लिए। जैसे यदि हम अच्छा भोजन करते हैं एक छोटे से क्षणभंगुर खुशी हमें मिलती है, अच्छा भोजन मिला, एक नया कपड़ा, बर्थडे में एक केक या अन्य कोई भी चीज, ये सब कुछ समय के लिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों के लिए रहती है खुशी, उसके बाद खत्म हो जाती है। लेकिन आनंद ऐसा नहीं है। आनंद हमारे जीवन में प्रभु येसु का होने के कारण मिलने वाला एक फल, ये सदा बना रहता, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। प्रभु येसु उस आनंद के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, हाँ, प्रभु येसु हमारी दोस्ती चाहते हैं, आपकी दोस्ती चाहते हैं, आपको अपना मित्र कहकर बुलाते हैं और वे चाहते हैं कि यह दोस्ती और भी गहरी होती जाए, ताकि उनका जो आनंद है हमारे जीवन में परिपूर्ण होता जाए। इसलिए संत योहन रचित सुसमाचार में भी प्रभु येसु यही कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा और मेरा आनंद तुम में परिपूर्ण हो जाए। यहां भी प्रभु येसु उसी सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं। वो आनंद ना केवल हमारे जीवन में आए बल्कि हमारे जीवन से बहकर दूसरों के जीवन में प्रवेश करें। इसलिए संत पिता फ्रांसिस बार बार कहते हैं, द जॉय ऑफ द गॉस्पल, सुसमाचार का आनंद, यानी प्रभु येसु जिनके जीवन में है
उनके जीवन में आनंद रहता है और वो आनंद उनके जीवन तक सीमित नहीं रहता बल्कि उनके जीवन से दूसरों के जीवन में बहता है, इट ओवरफ्लोस। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, यहां दुल्हा मुख्य है। वो जो चाहता है वही यहां होता है, हम जो चाहते हैं वो नहीं। यहां एक कंडीशन वे हमारे जीवन में रखते हैं, वो है कि हम उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने दें। आइए एक क्षण हम ले, जिन बातों पर हमने मनन किया इन बातों को हम अपने अंदर थोड़ा सा जाने, उसके बाद में हम इसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश करेंगे, ईश्वर को इसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। प्रत्युत्तर, हे प्रभु, तू जानता है कि एक दुखी संद एक बुरा संद है, तू आनंद का ईश्वर है। मैं बहुत बार तुझे एक दुखी ईश्वर के रूप में मैंने देखा है, एक पुलिस के रूप में मैंने देखा है, मुझे दंड देने के लिए उत्साहित रहने वाले और मेरे जीवन की गलतियों को ढूंढ निकालने वाले एक व्यक्ति के रूप में मैंने बहुत बार तुझे देखा है। उसी रूप को ध्यान में रखकर मैं तेरे पास आया हूं, प्रार्थना किया हूं और अपने जीवन को उसी के आधार पर सुधारने की भी मैंने बहुत बार कोशिश की है। लेकिन प्रभु, आज के वचन के द्वारा तू अपने वास्तविकता को मुझ पर प्रकट करता है। मैं भी तेरे इस वास्तविक आनंद के लिए लालायित हूं, मैं भी तरसता हूं, मैं भी चाहता हूं जैसे तू चाहता है। और मैं चाहता हूं कि जैसे तू हम पर प्रकट किया है कि मेरे जीवन के दुख और चुनौतियों के बीच में भी तेरा यह आनंद मेरे जीवन में सदा बना रहे, हे प्रभु इस आनंद को तेरे प्रेम के साथ मिलाकर मुझे दे, ताकि मेरे जीवन में जब मैं दुखों का सामना करूं, चुनौतियों का सामना करूं, तेरा प्रेम मेरे जीवन में इतना भर जाए कि मैं हमेशा आनंदित रह सकूं, तेरे आनंद का अनुभव मेरे जीवन में मैं करता रह सकूं। प्रभु मैं विचार से जरूर तेरे प्रेम पर विश्वास रखता हूं, लेकिन बहुत बार मैं उस वास्तविकता को अनुभव नहीं कर पाता हूं, उस वास्तविकता को मैं बहुत बार जी नहीं पाता हूं। मेरे लिए एक बहुत बार एक कल्पना के रूप में रहता है, एक विचार के रूप में, एक सोच के रूप में ही रह जाता है। इसलिए मैं आज तुझसे विनती करता हूं, तू मुझे सिखा कि मैं कैसे तेरे इस प्रेम पर भरोसा रख सकूं, विश्वास कर सकूं और वास्तविक रूप से जैसे तू मुझ पर अपना प्रेम प्रकट करता है, मुझसे जैसे तुम प्रेम करता है वैसे ही मैं उसको समझ सकूं। मेरी कल्पनाओं को, मेरी बातों को तुझ पर ना डालू, तू ही मेरे जीवन का दुल्हा है प्रभु, मेरा हृदय का दुल्हा तू है, मैं भी तेरे लिए प्यासा बन जाऊं, मैं भूखा रहूं तेरे लिए, तेरे लिए मेरी चाहत इतना ज्यादा हो जाए कि मैं सदा तुझे ही खोजता रहूं, तेरे लिए ही मैं जीता रहूं। और मुझे सिखा कि मैं किस राह पर चलकर तेरी खोज करता रहूं, तेरे साथ रह सकूं। लेकिन बहुत बार मुझे डर लगता है कि आगे तू मुझसे क्या मांगने वाला है, डर लगता है कि कहीं मेरी स्वतंत्रता को छीन तो नहीं लेगा, मेरी पहचान को तो नहीं तो छीन लेगा, मेरे जीवन को मुझसे तो नहीं छीन लेगा, मेरी दुनिया तो खत्म नहीं हो जाएगी यदि मैं तेरे लिए जीऊं तो। प्रभु मुझे सही मार्ग पर ले चल, मैं इन सभी डर से उभर कर ऊपर उठकर तेरे आनंद में पूर्ण रूप से अपने आप को खोने की शक्ति सामर्थ्य मुझे प्रदान कर। मैं योहन बपतिस्ता के शिष्यों के समान बहुत बार तेरे आनंद में सहभागी होने से किचकिचाता हूं, दूर हो जाता हूं, आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, तेरा शिष्य बनकर तेरे साथ रहने से इनकार करता हूं बहुत बार। क्यों प्रभु? मुझे पता नहीं, मुझे मार्ग दिखा, मेरे जीवन में ज्योति बनकर मुझे सही राह पर ले चल।
प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण रूप से ज्ञान से भरी है, मुझे भी उस ज्ञान से भर दे और मुझे भी ज्ञानी बनने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर। और जब मुझे अपने आप को पूर्ण रूप से देना पड़े, मैं पूर्ण रूप से अपने आप को दे सकूं। आइए हम कुछ क्षण लें और अपने आप को इस वास्तविकता में जीने की कोशिश करें, अपने आप को इस वास्तविकता में रखें, प्रभु के इस आनंद को अनुभव करने की कोशिश करें। आइए हम अपनी वास्तविकता को प्रभु पर प्रकट करें। हे प्रभु, तो पूरे इतिहास को रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है। हे पिता, तू इस सृष्टि को, इस सारी दुनिया को तेरे पुत्र के शरीर धारण के लिए तैयार किया और उनके आने के द्वारा तेरी कृपा को धीरे लेकिन पूर्ण रूप से हम पर आप बरसाते रहे हैं। राज भी तेरी कलीसिया के द्वारा उन कृपादानों को हमें भी प्रदान करते आ रहे हैं। हे प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी क्षमा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे अनुग्रह और कृपादानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सबसे ज्यादा तेरी इस दोस्ती के लिए, हमारे लिए तेरी चाहत के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिस कारण इस दुनिया में मानव बनकर आया, हमारे साथ रहा। प्रभु, मैं भी तेरी इस चाहत को दूसरों पर प्रकट कर सकूं, तेरे इस आनंद को मैं दूसरों तक भी मैं ले जाना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं तेरी कलीसिया का भी जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें अपना योगदान देना चाहता हूं। तेरे कलीसिया रूपी इस शरीर में मैं जो अंग हूं, मैं एक स्वस्थ कोशिका बनकर, एक स्वस्थ अंग बनकर तेरे शरीर में मैं रह सकूं, मेरे जीवन की बीमारियों को, आध्यात्मिक बीमारियों को दूर कर दे। हे प्रभु, मेरा उपयोग कर, मेरा प्रयोग कर, क्योंकि तेरे साथ रहकर मैं सब कुछ कर सकता, तेरी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता। इस दृढ़ विश्वास में, इस आनंद में, इस प्रेम में मैं जीता रहूं, एक कृपा मुझे प्रदान कर। अब हम चौथे चरण में जाते हैं जहां आपको थोड़ा ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। ईश्वर से जो वार्तालाप हुआ है इसके आधार पर कुछ संकल्प या निर्णय लेना जरूरी है, जिसको आज के दिन और आने वाले दिनों में भी हम जिएंगे और करेंगे, या कुछ त्याग ना रहे तो उसको त्यागेंगे। इसके लिए थोड़ा ज्यादा समय बिताइएगा और आपके जर्नल में, आपके जो डायरी है उसमें जो भी बातें आप सुने हैं, मनन किए हैं, उन सबको जरूर लिख के रखना मत भूलिएगा। ये बहुत ही निर्णायक है, बहुत ही जरूरी एक चीज है, जरूर इसको करना मत भूलिए। ये सब होने के बाद आइए हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु प्यारे पिता, इस विशेष अवसर के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमारे साथ रहने, हमसे बातें करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपकी उपस्थिति के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आप हमें विशेष रूप से आपके प्रेम से प्रेरित किए हैं, पोषित किए हैं, और उस प्रेम को जीने के लिए आज आप हमें प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारे जीवन का दुल्हा है, हमारे हृदय का दुल्हा तू ही है। हे प्रभु, तेरे इस वास्तविकता को, इस वास्तविक चेहरे को हम अपने जीवन में जो आज पहचाने हैं, इसको हम जीने की और हमारे साथ हमेशा रखने की कृपा प्रदान करिए। हम सभी संत बनने के इस राह पर एक दुखी संत नहीं, बल्कि आनंदित रहने वाले संत, आपकी उपस्थिति में जीने वाले एक संत हम बनकर इस आनंद को दूसरों को भी देने वाले हमें बनाने की कृपा कर। और विशेष रूप से तेरी कलीसिया के निर्माण में हम अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पण कर सके। हे प्रभु यीशु, विशेष रूप से जो कोई इस
साधना में विशेष रूप से जुड़ रहे हैं उन सबों को विशेष अनुग्रह और आशीष प्रदान कर हम सभी तेरे प्रेम में दिनों दिन आगे बढ़ते जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय मित्रों, जरूर प्रभु येसु की इस मित्रता को, दोस्ती को हम अपने दैनिक जीवन में जीने की कोशिश करें और इस आनंद को जरूर दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि प्रभु येसु का आनंद हमारे अंदर बंद नहीं रह सकता। यदि वो बंद रहता है तो ये प्रभु का आनंद नहीं है। इस सुसमाचार के आनंद को, ये कि प्रभु येसु के इस आनंद को हम जन जन तक ले चले। ईश्वर वही अनुग्रह और आशीष हम सबों को प्रदान करें।